हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के जो आज कुछ नए सेगमेंट स्टार्ट किए हैं, ये है द अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन। और आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो बहुत खास इंसान है। वो एक ऐसे इंसान है जो अपने कॉमेडी के तड़के से लोगों का हंसाने का काम करते हैं, नन अदर देन सत्यव्रत महापात्रा। वेलकम टू यू भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और देर ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन से चलते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत रही, स्कूलिंग कहाँ से रही, कहाँ के आप रहने वाले हैं, फिर कैसे आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे। रहने वाला तो भुवनेश्वर का, पर पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, तो काफ़ी सारे स्कूल्स मेरे चेंज हुए। केंद्रीय विद्यालय पुणे में था मैं, फिर कैलकटा में था मैं काफ़ी टाइम, रायपुर में था, फिर वापस पुणे गया। तो ऐसे काफ़ी मैं शिफ्ट करते रहता था। नागपुर चंद्रपुर में था मैं कुछ टाइम, तो ये सारा 6-7 स्कूल चेंज करे मैंने। टोटल मैंने 12 स्कूल चेंज करे, 11th 12th तक बेसिकली, बचपन से। तो मतलब मान के चल सकते हो कि हर एक क्लास एक साल में एक एक क्लास में चेंज कर रहा था। कितना मजा आ रहा था? बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि अब मेरे फेसबुक पे मैं जितने लोगों को जानता हूँ सबको मैं एक्चुअली जानता हूँ। हाँ, वो सब रैंडमली एडिट लिस्ट बहुत ज्यादा है, एक्चुअल फ्रेंड्स हैं वो लोग मेरे जो बचपन के वो है ना। और अब वीडियो जब थोड़ी वायरल हो गई है तो वो लोग वापस कनेक्ट हो रहे हैं कि भाई आप मेरे बैच के थे क्या, ऐसे करके, या फिर आप ये स्कूल में थे क्या। तो ये वाली चीज बहुत होती है। बट या सो आई हैव स्टडीड in multiple schools, but all most of them are Kendriya Vidyalaya. Then I 11th 12th mein I shifted to DPS Bhuvneshwar, fir engineering bhi yahi kari, MBA bhi yahi kara, ab stand up club bhi yahi pe khola, stand up ka scene bhi yahi banaya, jo artist bane hain aaj yahi Bhuvneshwar bhi bane, Odisha bhi bane. So how did you end up deciding to become comedian? So the realization came when my friends wanted me to be with them throughout, whenever they were hanging out or something, because I was the funnier among the lot. And by funnier matlab ya to main kuch aisa roast kar leta tha ya kuch bol deta tha, ya fir meri observations hi itni funny unko lagti thi. Main to nahi, to kya matlab bachpan se ya with developing, mujhe to nahi lag raha ki main bachpan se tha. Ha, bachpan se ek cheez hai ki main stage fright nahi raha, kyunki main dance once kiya karta tha college school mein, to स्टेज पे चढ़ने का बड़ा शौक था। प्लस स्किट वगैरह करते थे स्कूल में, अपने ड्रामा वामा करते थे, तो उसमें मैं कुछ फनी फनी से डाल देता था। डांस में भी कुछ फनी एलिमेंट डाल देते थे हम लोग, जब डांस ग्रुप डांस करते थे, तो मुझे पता था कि फनी एलिमेंट तो आया मेरे में, पर इसका क्या करना है वो क्लैरिटी नहीं था। हाँ, एक भाई का एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी था जिन्होंने, जिसमें आपने जॉनी सिंह से खुद को कंपेयर किया था। तो यार वो तो मुझे किसी फैन ने, तो वो वाली फोटो है अगर आप वो करेंगे इधर तो आपको पता चलेगा कि वो वाला मेरे किसी फैन ने मुझे करके भेजा था कि भाई ये देखिए। तो मैंने ना ऐसे शावर के बाद, तो मैंने भी ऐसे ही मेरे थोड़े तब जिम में हल्का जा रहे थे, अब तो लोड़े लगे पड़े, ठीक है, बट तब तो मैंने ऐसे थोड़ा वो आ रहे थे, क्या कहते हैं इसको, शोल्डर्स आ रहे थे। तो मैंने ऐसे ही सेल्फी खींच के इंस्टाग्राम पर डाल दिया। उस बंदे ने उसको डाउनलोड किया, जॉनी सिंस की कोई फोटो डाउनलोड करी जिसमें वो भी ऐसे ही बिल्कुल फोटो खींच रहा है, और दोनों को मर्ज कर दिया है, इतना सिमिलर था। उसने मुझे भेजा वो चीज़, और मैंने उसको अपलोड करी, तो मैंने उसने जब मुझे भेजा कि भैया ये देखिए, मैंने बोला डू यू वांट मी टू अपलोड दिस ऑन माय फीड, तो कहता हां भाई। तो रिएक्शन क्या था? ओ मेरे ऐसा यार, बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे थे उस पे कि भाई, और मैंने कैप्शन में लिखा था कि सेल्फ ऑब्सेशन हो तो इतना हो वरना नहीं। हां वो बड़ा मेरे को मस्त लगा, रिलेटेबल लगा। अच्छा, हर कोई जितने भी आर्टिस्ट है, जितना भी जनरल क्या, या फिर वो एक्टर हो या फिर वो सिंगर हो, कोई भी हो, सबका कोई ना कोई आइडल होता है। तो आपका आइडल वैसे कौन है जिसको पैथ को आप फॉलो कर रहे हो स्टैंड अप में? हाँ, स्टैंड अप में देखो, पहले वीडियो जो हमने देखे थे विश्व कल्याण राज, जाकिर खान, इन सबके देखे, तो कहीं नहीं सेबेस्टियन था, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो वही लोग ही थे, क्योंकि उस टाइम पे तो वही लोग ही थे। तो अभी वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑफकोर्स एज द बेस्ट इन द बिजनेस, बट अभी क्योंकि आप अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करने लगते हो, आप अपना वॉइस रिकॉग्नाइज करने लगते हो, तो आपको पता चलता है कि कोई कॉमेडियन है जो अंडररेटेड है, अंडरडॉग है,
तो वो आजकल मैं काफी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे आप राजा चौहान प्रतीश चौधरी को देखें, बेहतरीन कलाकार, ठीक है, फार बेटर देन मोस्ट ऑफ दी कॉमेडियंस इन दिस इंडस्ट्री. बाकी लोग बोल देंगे कि ये पॉडकास्ट देखेंगे साले हम फेवरेट नहीं थे. तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे बहुत अच्छे मेंटर और एक बड़े भाइयों की तरह जिन्होंने ट्रीट किया, प्रतीश चौबे, रजत चौहान, कॉन्स्टेंटली गाइड करके इन लोगों ने. Actually, they have contributed to the Bhubaneswar comedy scene in general by coming over and doing shows, despite not much financial outcome. आप जैसे बताया कि आप बचपन से उतने फनी नहीं थे और टाइम आपने बहुत किया है, तो बचपन से मैं था या नहीं वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनसर्टेन है ना कि उस टाइम पे तो याद भी नहीं. राजू श्रीवास्तव देख के मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि जब पापा देखते थे हंसते थे मैं बोलता था क्या है, एक आदमी आके बात कर रहा है बस. कभी सोचा नहीं था कि यही चीज आगे चल के मेरे को भी यही करना है. आंसर ओके. तो ऐसा कुछ फनी मोमेंट्स जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ रियलिटी में आपने वो फेस किया है, जो किया हो और हो सकता है जोक बना लिया, जोक भी बनाया है. मेरे सारे जोक्स कहीं ना कहीं सत्य घटनाओं पर आधारित, सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम 90%. अच्छा, कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ बताइए जो आपने अब तक शेयर नहीं. तो बेसिकली एक जोक है कि मैं बोलता हूँ मैं एप्पल का फ़ोन अभी हाल ही में, मेरा एक दोस्त है जिसने एप्पल का आईफोन खरीदा और वो उसने मेरे को फेस आईडी का बारे में बताया. वो आके मुझे बोलता है, एक ट्रू इंसिडेंट बाय द वे, तो बोलता है कि ये सिर्फ मेरे फेस से खुलेगा, ये सिर्फ मेरा फेस खोल सकता है, मेरे फेस डिटेक्ट करेगा तो ही खुलेगा, वरना इसको कोई नहीं खोल सकता. तो मैंने उसकी फोन लाई, निकाला इधर और मैंने अपने बैक पॉकेट में रखा और फ़ोन अनलॉक हो गया. कैसे? तो उसने पूछा भाई ये कैसे किया तुमने, तो मैं बोलता हूँ सारे पता है तुम बचपन में बोलते थे शक्ल खाड़ जैसी और सही में किसी तरह से अनलॉक हो गया था, शायद डबल क्लिक होके हो गया था, बट हमें तो लग रहा था कि बैक पॉकेट में लगा है. उसको भी झटका लग गया होगा. एक साल तक तो हम उसमें घूमे घूमे थे कि यार इतनी खराब शक्ल है कैसे है. तो पर आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा? बीटेक काफ़ी मज़ेदार रहा, कि बीटेक के टाइम पे डांस वांस किया करता था, कल्चरली काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्टिव ही थे साथ लोग, मैं तभी स्टैंड अप चालू हुआ एक्चुअली थर्ड ईयर. और उस टाइम पे पता नहीं था कि कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कर रहे थे हम लोग कॉलेज शोज वगैरह आ रहे थे तो हम कर रहे थे, ठीक ठाक ही कर रहे थे. फिर जब MBA हुआ बीटेक के बाद एक जॉब करी, उसके बाद जॉब क्विट करी. MBA में मुझे तब तक थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया तो काफ़ी एक्टिव हो गया था कॉलेज लाइफ, फिर कॉलेज करो, शोज करो, ऑफिस आओ, कॉलेज करो, कैंपस दूर था, मैनेज करना बहुत टफ था बहुत, और MBA कर रहे थे तो मैनेज करना ही सीखना था हमें. वही नहीं कर पा रहे जो जिसके डिग्री ले रहे हैं. वो बड़ा अजीब होता है, असमंजस में पड़ गया था. सेम मैंने भी फेस किया है ना, मैंने भी सेम फेस किया है. वैसे आए दिन बहुत सारी कुछ ना अजीब अजीब घटनाएं तो होती रहती हैं, ठीक है. क्रे अभी कुछ रीसेंट आपके साथ कुछ ऐसे घटना हुई होगी जो आपको याद? किस ये में शोज ना सोच ये कभी हाल ही में एक शो आया था, एक दारू की कंपनी है, मेरे शोज भी कैसे आ रहे हैं. तो दारू की कंपनी है, उसने लॉन्च वॉन्च कुछ कर रहे थे वो लोग, तो उस बीच में दे हैड अ ग्रैंड पार्टी जिसमें वो इवेंट लॉन्च कर रहे थे, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, मुझे बुलाया था फर्स्ट स्टैंड अप. और जितने ठेके हैं ना भुवनेश्वर में, कटक में, जितने ठेके हैं सारे ठेकों के जो मालिक लोगों को इन्वाइट किया, तो मालिक लोग तो आ नहीं पा रहे कहीं होंगे, तो उन्होंने अपने जो माइक्रो मैनेजर टाइप के लेवल के हैं, जो ठेका चला रहे हैं उनके बाद उनको बुला लिया था. तो ठेके चालक लोगों के बीच में मैं और मैं गया हूँ भाई, कॉर्पोरेट इवेंट बोला है मेरे को, तो मैं तो भाई ब्लेजर वेजर पहन के अंग्रेजी में जोक मार रहा हूँ, नीचे से कोई चिल्ला दिया उड़िया में बोल, हिंदी में बोल, हिंदी में. तो वो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हो गया था, बट बैड शोज ऐसे होते ही रहते हैं. मेरा मेरे से पहले तो कोई उन लोगों ने और भी प्रोग्राम्स रखे थे, तो कोई मुँह से आग निकाल रहा है, कोई सर्कस कर रहा है,
बॉल फेंक रहा है, तो ये सब देख के ही आपको झटका लग गया होगा। मैंने बोला यार इनके बाद स्टैंड अप, एक आदमी बस खड़ा होकर बोल रहा है, एक लड़की आ रही है बेली डांस कर रही है, रैंप वॉक करा, फैशन शो करा दिया उन्होंने, एक लड़की वो गोल्ड रंग का रिंग रहता है बोलते होंगे उसको, ठीक है वो कर रही है ऐसा ऐसा करके मटका, उसके बाद एक गंजा आदमी आके बस बात कर रहा है, ये इस ऑर्डर में किसने सेट किया पहली बार। और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मेरे पास सिंगर था उसका भी बैंड बजे, आपको तो वहाँ बैठना था, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो 10 मिनट में उतर गया था स्टेज से, बट पैसे पूरे मिल गए थे। दारू वाले का ये रहता है पैसे, पैसे पैसों की कमी नहीं होंगे, सप्लाई डिमांड का केस है यार दोस्तों। अच्छा कहावत है, हर मतलब एक सक्सेसफुल इंसान को किसी और को कहा जाता है, तो ऐसा आपके पीछे भी किसी का हाथ है? मेरी नानी का हाथ, तो वो काफ़ी सपोर्ट के लिए जो भी मैं करता है ना, अरे काफ़ी लोग ऐसे मॉम डैड को तो लेट समझ आ रहा है अभी कि क्या कर रहा है, छोटी बहन का भी काफ़ी याद रहा है, घर वालों की मोस्टली याद रहा है ऐसे, तो किसी पर्टिकुलर औरत का तो हाथ नहीं रहा है अब तक, कि इतना वक्त ही नहीं मिलता है सोशलाइज करने का, मैं इतना बिजी रहता हूँ कि ऐसा उनसे कोई पूछता भी है कि क्या तुम मेरे से कॉफ़ी पीना चलोगे, एक आप काम करें आप मेरे शो पे आ जाएं, वहीं पे कॉफी पी लें, चुटकुले भी सुन लें। तो ये ऐसे ही रहता है। अच्छा आपका लव लाइफ कैसा है? कॉलेज में आई हैड समवन, काफ़ी टाइम चला, थोड़ा टाइम 2-3 साल को तो काफ़ी टाइम ही हुआ आज के डेट के हिसाब से, फिर वो भी विदर आउट हो गया, उसके बाद सी समबडी एल्स आल्सो, आफ्टर दैट वो ब्रेकअप से बाहर निकलने के बाद आपको एक वो रहता है आज तो आप तो दुनिया पे फतेह कर देंगे, अब यही है जो है ना अगली जो भी N+1 वाला रूल है, तो दैट ऑल्सो डिडंट वर्क आउट बिकॉज MBA कर रहा था, काफ़ी एक्टिव हो गया था, उसके बाद फिर मैं समझ गया कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है रिलेशनशिप और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज़, जब आप केटर ही इतने सिंगल ऑडियंस को करते हो। हाँ मेरी फैन बेस देखना पूरी सिंगल लॉन्डे लपाटे, मैंने कहा यार चलो ठीक है लेट्स बी ट्रू टू द कम्युनिटी दैट यू आर लीडिंग, प्लस जाकिर भाई ने सिखा के गया अक्सर रहेंगे सिंगल है ना, मैंने कहा ठीक है जाकिर भाई बोल रहे सही बोल रहे होंगे, अब तक तो चल रहा है भाई सिंगल ही है तो बढ़िया। अच्छा डेटिंग ऐप पे कितने एक्टिव? डेटिंग ऐप में मैंने अकाउंट बनाई थी टिकट बेचने हेतु। हाँ ठीक है, डेटिंग ऐप पे टिकट बेच रहा था, कितना बिका? कोई लड़की मुझे आए हुए यार लड़कियाँ आई हैं शो पे, थैंक यू इस पॉडकास्ट के माध्यम से प्रफुल्ल के माध्यम से मैं ये आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो लोग टिंडर बम्बल से मेरे शो पे टिकट लेकर आए हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा इंसान देख रहा हूँ जो डेटिंग ऐप पे जाके भाई MBA ना लाइफ में बहुत कुछ सिखा देता है तेरे को पता है, तो टिंडर बम्बल पे ऐसे डालता था और कन्वर्सेशन स्किल्स तो अंडा ही वो तो है, मेरा तो बहुत खराब है, ठीक है खराब है मतलब इस मामले में, अच्छा ऐसे तो बहुत बढ़िया है भाई, ऐसे तो समा बांध दूंगा पर टेक्स्ट में कैसे मांगोगे, ऐसा हे सामने वाले ने लिखा हे वाओ यू आर डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी वेरी नाइस आई हैव सीन योर वीडियोस यू गुड सो वेयर इज योर नेक्स्ट शो, मैं कह अरे मछली खुद ही जाल में फंस गई आके हैं, मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा, हियर इज द लिंक टू द बायो, यहां आपको टिकट की लिंक मिल जाएगी, तो डेटिंग ऐप पे भी टिकटें बिकी पहले बिकी अभी तो आ ही जाते हैं अभी अपने अभी ट्राई करते हैं, अभी YouTube से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, Instagram से अच्छा कन्वर्ट होता है, Instagram से अकेले मेरे ही नहीं भुवनेश्वर में काफी कॉमेडी इनका कन्वर्ट हुआ है Instagram से, अब ज्यादा Instagram है और there's less of YouTube which is sad but true। अच्छा आपने तो कई सारे अदर स्टेट में भी शो किया होगा, अच्छा ये इससे रिलेटेड मेरा दो क्वेश्चन है, आपने एक बार रसगुल्ला पे भी बात की थी, ठीक है बहुत भयानक था तो पहला चीज उड़ीसा को लेके बाहर का ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब बेहतर है, अब जानते हैं, अब पूछने से बता दे रहे हैं कि कहाँ है उड़ीसा, पहले बंगाली समझते थे, इससे आपत्ति हमें पहले थी, अब तो यार चलो, तो वो जो मेरा जोक है उड़ीसा कहाँ पता है साउथ में, तो वो जो जोक है वो भी तब का ही लिखा हुआ था, बट मैं कभी करता नहीं था क्योंकि मोस्टली उड़ीसा में ही रहा ना, तो जब उड़ीसा में रहा तो कैसे बताऊंगा क्या उड़ीसा पता है आपको का घोसड़ी का हम यही हैं बताएंगे क्या, बट रिकॉग्निशन अब मिला है तो हमने वर्ल्ड कप भी करा दिया, ये भी करा दिया,
और अब लोग जान रहे हैं, इसी वजह से जान रहे हैं कि पहले कोई नहीं जानता था। हाँ। तो अब जान रहे हैं, तो अब बड़ा मजा आ रहा है कि उड़ीसा से कोई कॉमेडियन आया, चलो देखते हैं क्या किया। हालांकि बात किए जाए उड़ीसा का, तो मतलब सर जमीन से जुड़ा हुआ बहुत सारी कहानियां है जो यहीं से निकला हुआ। एग्जैक्टली और वो नहीं, वही नहीं मिलता, मान्यता ही नहीं मिलता, वो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक पहुंचे, लोग किसी भी वे में पहुंचे, पर पहुंचे बस। अच्छा और एक चीज है, बहुत तरह के ऑडियंस आपने फेस किए हैं, हर जगह के अलग अलग होते हैं, अलग अलग शहर में भी अलग 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 होते हैं तरीके उनके, कानपुरी अलग, बहुत कार्टून मिल गया भाई, बहुत अजीब अजीब, एक बार बड़े बहुत प्यारे लोग भी मिले। हाँ तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ऑडियंस कहाँ की लगी? आर्ट फॉर्म तो मेरा ठीक ठाक है, बेकार दिन था मैं बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, बेकार दिन होता है तो ऑडियंस के लिए भी शो खराब ही जाता है, कॉमिक को भी पता चल रहा होता है कि खराब ही जा रहा है, खराब शोज नहीं देखोगे तो दुनिया में तो क्या ही है, तो बेटर ऑडियंस। भाई मैं बताऊँ, उड़ीसा टूर मैंने अभी करी थी हाल ही में, बरमपुर इज मैड क्राउड, ग्रेट क्राउड, फॉलोड बाय आई थिंक आई हैव ऑलवेज लाइक भुवनेश्वर क्राउड, कटक नॉट दैट मच, सो इफ यू विल आस्क कटक थोड़ा सा, बट वो भी हो जाएगा, कोई एल सी अ गुड डे इन कटक एंड देन माई ओपिनियन विल चेंज। ऑल इंडिया अगर आप देखें तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था किसी शो में, तो आई डोंट नो, आई थिंक देहरादून इज वन ऑफ दोज शोज, देहरादून इज वन ऑफ दोज शोज, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वैसी वाली जनता आ गई है ना, आर्मी आर्मी रिटायर्ड लोग आ गए थे, तो उनको थोड़ा कपिल शर्मा चाहिए था, और मैं तो पूरा एकदम अनरेटेड अनफिल्टर्ड कर रहा था, वो थोड़ा सा कनेक्शन नहीं बैठा, तो वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, कि वहाँ मैं सीखा कि दो टाइप के जोक्स लिखने पड़ते हैं, ये कॉलेज बच्चों के लिए। हाँ, सब अलग अलग जॉनर के लिए। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, मतलब चूंकि आपने स्ट्रगल भी करा है एक तरीके से बोला जाए, अभी भी कर रहे हैं यार, अभी भी कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिले कि अचानक कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपको परफॉर्म करने को मिले, या फिर जैसे कपिल शर्मा शो, जैसे शो में आपको, मतलब आप कह रहे हो नेशनल टीवी पे आने का मौका मिलेगा, तो मैं बिल्कुल आऊंगा, बट देखो यूट्यूब का हम यार, यूट्यूब का अपना फर्स्ट प्राइमरी गेम यूट्यूब ही होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, फोकस हमेशा यूट्यूब पे रहेगा, देखो आप इंस्टाग्राम भी रहेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम से आपको टीवी पे आ भी जाऊँ, क्योंकि अभी होपफुली मतलब थिंग्स गो वेल, लॉफ्ट चैलेंज का एक और आ रहा है ना सीजन, तो उसमें एक राउंड क्लियर हुआ है ऑनलाइन, तो और दो राउंड्स के बाद हो सकता है कि डेब्यू हो जाए टीवी पर, कहीं ना कहीं मैंने एक रियलिटी शो कर रखा है इससे पहले, ताइवान एक्सेलेंस टेक्नोलॉजी सुपरस्टार्स के नाम से, एक्सपीरियंस वाज गुड, बट वो भी यूट्यूब पे ही थी, इस चैनल पे नहीं। पहले क्या था ना, स्टैंड अप कॉमेडी को लोग इतना नहीं जान रहे, अभी लोग बहुत अच्छे जान रहे, और कहीं ना कहीं पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन भी बढ़े, नेचुरली बढ़ेंगे, सप्लाई वो डिमांड देख रहे हैं, डिमांड है तो सप्लाई तो बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई। अच्छा तो 2016 में जब हमने चालू किया चार कॉमेडियंस थे, आज देखो 16 है, चार गुना बढ़ी। तो फिर 100 मिलने में कितनी दिक्कत है, जिससे तुम्हें बोला दिक्कतें, शो मिलना मतलब आपको, आप कह रहे हो कोई कॉर्पोरेट शो या प्राइवेट शो वैसा टाइप का है ना, वरना यूजुअली तो हम अपना टिकट खुद ही बेचते हैं, वैसे ही करते हैं, वो तो कोई लोडिंग नहीं, तो यूजुअली शो आपको मिलना शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर दैट हाउ मेनी अदर पीपल आर देयर, हाउ मेनी एंट्रेंट्स आर देयर, और हाउ मच नॉलेज ऑफ स्टैंड अप द एंटायर रीजन हैज, कोई आपको देखना चाहता है वो आपको देखने के लिए आपको बुलाएगा ही, कोई अपने कंपनी में आप पसंद करता है तो अपने एचआर को बोलेगा कि सर इसको बुलाओ ना कॉर्पोरेट शो के लिए, वो तो कभी हैम्पर ही नहीं हुआ, बट हाँ ऑफ कोर्स टीयर 3 सिटी है, उतने शोज नहीं मिलते जितने टीयर 1 मुंबई दिल्ली। अच्छा, यहाँ के कॉमेडियंस के लोगों में भी खटपट होता है, मतलब क्लैश आपस में नहीं, यहाँ तो बहुत बढ़िया सीन है, एवरीबॉडी हां एवरीबॉडी इज इक्वली हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो एंड टू। अच्छा, now we have a proper dedicated stand-up comedy club called The Space, तो सारे shows यही होते हैं। इसकी शुरुआत भी आपसे ही थी? मैं और मेरा partner है दीपांचल, तो हम दोनों ने मिलकर। तो कहाँ से ये idea आया? Idea भाई 2016-17 में ही था, क्योंकि
कैफेज में जाके ना उनको गिड़गिड़ाने को कि ओपन माइक करने दो ओपन माइक करने दो, बड़ा दिक्कत होता था। एक तो ईगो हर्ट होता था, और ईगो हर्ट करवाने की हमारी आदत है नहीं, सरकारी अफसरों के बच्चे हैं तो आसानी से ईगो हर्ट होता नहीं हमारा, क्योंकि माहौल वैसा है ना, परिवेश वैसा था कि चीज़ें ओके मिल जाती थी। प्रिविलेज जब ऐसा बिकमल मोक जाके ओपन माइक के लिए मांगना पड़ता है वेन्यू पे कि कैफे में आपके परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो, तो बड़ा बुरा लगता था। क्या लोग आना चाह रहे हैं तो खुद का कुछ बनाते हैं, लोग आए जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ कि स्कूल में था, स्कूल के बारे में बात करना बड़ा पसंद है मुझे, अपने बचपन के बारे में बात करना, बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज होती है ना यार अपनी कि जो हम बात करना चाहते हैं पर हमारे बिहाफ में कोई बात नहीं कर रहा था, जब मैं वो सारी बातें कर लेता हूँ तो लोग कनेक्ट कर पाते। हाँ, जैसे मेरा एक जोक है कि यार आपको पता है उजाला, पता है आपको उजाला साफ करने के लिए कपड़ा, उजाला इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है उजाला जिसने एड में भी बताया कि कितना डालना है, क्योंकि आया नया उजाला चार बूंद, पर मेरी माँ को नहीं समझ में आ रहा था, मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा हूँ, बहुत प्यार करती थी वो, कहीं चार बूंद से मेरा बेटा कितना शर्ट साफ हुआ, और उस टाइम पे हमारा वाइट शर्ट और ब्लू पैंट होता था सरकारी स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय में, तो मम्मी इतना नील डालती थी ना, इतना उजाला डालती थी, चार बोतल ही डाल दी उसने, चार बूंद छोड़ चार बोतल डाल दी, अब शर्ट और पैंट की कलर मैच हो गई, और इस पे बहुत लाभ होता है क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है, रिलेटेबल है ये सारी, क्योंकि वो नीला बन के जा रहे हैं क्योंकि उनके इतना ज्यादा वाइट कर दे रहा है वो वाइटनर, ब्लू 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 हो जा रहा है। मैं बोलता हूँ कि मम्मी एक और बोतल बची हुई है यहाँ डाल दे, मैं पूरा नीला हो जाऊंगा तो जादू बन के अगले कोई मिल गया किसी को बड़ा। अच्छा, गाली देना आपको कितना पसंद है? बहुत नॉनवेज कॉमेडियन। अच्छा, कि कौन कौन से, मतलब सबसे पहले कौन कौन से गाली आप ज्यादा यूज करते हैं? ऐसे गाली गाली यूज नहीं करता हूँ, पर मैं गांड फट गई ये मैं बहुत बोलता हूँ, ठीक है गांड मरा गया, मेरे अंदर फेवरेट पड़े गांड है उससे रिलेट जितने भी है वो सब। आई एम एन एस पर्सन दैट वे। ओके, सबसे फेवरेट गाली कौन सा? जड़ी के सही, क्योंकि पट से आ जाता है ना, वैसा लगता है कि बुला ही रहा है किसी को तो, ठीक है चूतिया में वो फील नहीं है कि चूतिया तो एक मास बन गया, अब हर कोई चूतिया चूतिया, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना आपको हर कोई चूतिया लगने लगता है, तो उसमें किसी को बुलाने में संबोधित करने में मजा नहीं है, ओए भोसड़ी है जरा अथॉरिटी है आपके स्वैग के साथ निकलता है ये चूतिया, इधर आ जरा, अरे तू भी चूतिया, ओके मिलके जाते हैं। ये थी खास बात सत्यवंत महापात्र के साथ, और बात करके बहुत ही अच्छा लगा, काफी चीजें सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, तो बस सत्यव्रत भाई विदा लेंगे थैंक यू भाई, फिर मिलेंगे पक्का, एक और पॉडकास्ट करेंगे उसमें मैं अपनी गाली चेंज कर चुका हूँ। चलिए इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूँ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और जल्द ही ये तो वीडियो आएगा ही, साथ ही दूसरे जो दूसरा पार्ट जो आने वाला है उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार धन्यवाद। शॉर्ट क्रिस्प एक्यूरेट, तो बहुत सारी कैमरा टट्टा खा गया।